जय हिंद दोस्तों, आज मैं कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 63 के बारे में बात करूंगा। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बगैर अनुमति के और किसी और के स्वामित्व की रचना या कृति का प्रकाशन करता है और उससे लाभ कमाता है, अगर वह किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने व्यावसायिक लाभ के लिए उस रचना या कृति को सुनाता है, दिखाता है, तो वह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करता माना जाएगा और इस अपराध का दोषी होगा। कॉपीराइट एक्ट का मुख्य उद्देश्य कॉपीराइट रखना, नए निर्माण से रक्षा करना और लोगों द्वारा अवैध लाभ कमाने की मंशा को विराम देना है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी नामी प्रकाशक की किताब का डुप्लीकेट छापता है और उसे बिक्री करता है, पर इसके लिए वह उससे अनुमति प्राप्त नहीं करता है, तो वह कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। सेक्शन 63 के अंतर्गत कॉपीराइट एक्ट के जानबूझकर उल्लंघन करने से वह इस धारा के अंतर्गत दोषी घोषित होता है और दोष सिद्धि पर कम से कम 6 माह की सजा और 50,000 का जुर्माना और अधिकतम 3 साल का कारावास और 2 लाख का जुर्माना, दोनों प्रकार के दंड से दंडित होता है। सेक्शन 63 के अंतर्गत कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में किया गया अपराध संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल होता है या गैर जमानतीय भी होता है। पुलिस बगैर वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती है। जमानत कोर्ट में ही जाकर लेनी पड़ेगी, थाने से नहीं मिलेगी। और यह नॉन कंपाउंडेबल होता है, यह पीड़ित के साथ में समझौता योग्य नहीं होता। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।